गांधी चोर है, बटनगर का मोदी जिंदाबाद। अब एबीपी न्यूज वाले पूछे कि आप राफेल पे चुप क्यों हैं, वो आगू बबूला क्यों हुआ के जो बताइए आप। घोटाला नंबर वन है दुनिया के साथ, हिंदुस्तान के साथ, हिंदुस्तान के जनता के साथ बहुत बड़ा घोटाला है। पैसा लगाकर जनता को कर्मर बनाओ और पैसा देकर निकम्मा मत बनाओ। अपने वोट बैंक के खातिर, अपने स्वार्थ खातिर जनता को बेवकूफ मत बनाओ। 72,000 रुपया से कुछ नहीं होने वाला है, ये ड्रामेबाजी है और आपके अकाउंट में एक पैसा नहीं जाएगा। आप जाकर और भी उनको माफ करना, देश की जनता के साथ बहुत बड़ा गुनाह है। जहां अर्थव्यवस्था खराब हुई, देश बर्बादी के कगार पर पहुंच जाएगा। बैंक एक सम्मानित संस्थान होना चाहिए, बैंक लोन देने वाला और लोन लेने वाला एक सम्मानित संस्थान होना चाहिए। और बैंक के साथ खिलवाड़ हिंदुस्तान की जनता के साथ, हिंदुस्तान की इकोनॉमी के साथ बहुत बड़ा घोटाला है, बहुत बड़ा पाप है। आप क्या कहेंगे इस पे, किसको प्रधानमंत्री बनाए? कुमार, आप बताइए प्रधानमंत्री किसको बनाने वाले हैं? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी क्यों? राहुल गांधी युवा है फिर? नहीं, फिर भी बट अच्छी प्रोग्रेस करी है उन्होंने जब से वो आए हैं। आपको पता है राहुल गांधी ने अभी अडवाणी जी के लिए कहा है कि जूते मार के, लात मार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा दिया, तो ऐसी भाषा या ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसे व्यक्ति को मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बट मेरी तरफ से तो नरेंद्र मोदी वो नहीं है। क्यों, वो प्रधानमंत्री बनने योग्य नहीं है? योग्य है, बट जितना मैं चाहता हूँ नरेंद्र मोदी। एक और सवाल मैं आपसे पूछूंगी, बार बार राहुल गांधी कहते थे चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, तो क्या कहेंगे, चौकीदार चोर है या नहीं? नहीं, वो भी उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, चौकीदार चोर। और सवाल, आप जो बोल रहे हो चौकीदार चोर है या नहीं, कमलनाथ के घर से और बाकी कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं से आज 200 करोड़ कैश बरामद हुआ है, तो आप क्या कहेंगे जो चौकीदार को चोर करते थे, उन्होंने भ्रष्ट नाथ के बारे में जिक्र करा है, यहाँ कमलनाथ का जिक्र हुआ है, तो क्या कहेंगे उसके बाद? जी मैम, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, उनके बारे में कुछ नहीं जानता। अच्छा, आपका नाम? नहीं, आपका नाम गिरीश कुमार। किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे? मोदी जी को। मोदी जी क्यों? जो देश को अच्छा चला रहे हैं। देश को अच्छा चला रहे हैं, राहुल गांधी अच्छा नहीं चला पाएंगे क्या? नहीं। क्यों, 22 नेता एक साथ हो गए थे महागठबंधन में, उसके बारे में क्या ख्याल है आपके? नहीं है। मोदी को समर्थन क्यों? मोदी अच्छे आदमी है और देश को अच्छा कर रहे हैं। वाड्रा के पास पैसा कहाँ से आया ये बताइए, वाड्रा के पास कहाँ से आया पैसा? पूरा खानदान चोर है जी, और पूरी जिंदगी लूटते रहे हिंदुस्तान को। वो मोदी पूरा प्रधानमंत्री है। गरीब इंसान परेशान है क्या? परेशान है? नहीं, कोई परेशान नहीं है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। पूरा भारत के प्रधानमंत्री है और पूरा देश का पूरा सेवा करेंगे, वो नरेंद्र मोदी पीएम है, पूरा भारत के प्रधानमंत्री। राहुल गांधी पर विश्वास नहीं है? वो पूरे 72 नहीं है, बिल्कुल नहीं विश्वास है, उसको नहीं है, उसको नहीं है। राहुल गांधी चोर है, जिंदाबाद। अच्छा, ठीक है। एक एक्टिव यूथ होने के नाते मेरा तो सर्वप्रथम धर्म है कि मैं वोट डालूं, और ऐसे व्यक्ति को वोट डालूं जो देश हित में बात करता हो, और वो द ओनली पर्सन इज नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, एंड ही शुड बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अगेन। राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? नन अदर देन हिम कैन बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, बिकॉज मैं राहुल गांधी जी के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल आई एम इन सपोर्ट ऑफ हिंदुत्व एंड हिंदुइज्म आइडियोलॉजी, बट आई एम इन सपोर्ट ऑफ। आपको कांग्रेस का मैनिफेस्टो के बारे में पता है? सब पता है कांग्रेस मैनिफेस्टो, लाइक दे आर गिविंग सम शॉर्ट ऑफ लाइक ट्रीट to people, those who don't know about the 72,000 rupees. We don't want 72,000 rupees. We want the development and progress, prosperity in the country. That the Narendra Modi will only bring that. देश द्रोह के मामले को हटाने की बात की गई है, थर्ड डिग्री टॉर्चर को भी हटाने की बात की है, कश्मीर से सेना बलों को भी हटा देंगे, तो कैसी सरकार चाहिए? मैडम, ये तो खुद ही एक सभी देशद्रोही पार्टी है, चाहे वो TMC हो या राहुल गांधी हो, उन लोगों ने सभी जगह पे आतंकवादियों को सपोर्ट किया है। अगर वो लोग के बस में होता तो वो लोग अभी तक जितने भी सेडिशन चार्जेस हुए उस पे वो अत्याचार नहीं करते लोगों पे। जैसे कन्हैया कुमार को ले लीजिए, जैसे अकबरुद्दीन ओवैसी को ले लीजिए, असदुद्दीन ओवैसी को ले लीजिए, हार्दिक पटेल को ले लीजिए आप, ये लोग क्या हैं? ये सब सारे राष्ट्र विरोधी ताकत हैं, और हम लोग का एक ही मत है कि नरेंद्र मोदी जी आए फिर से, कि देश की हित हो और देश का डेवलपमेंट। आप बोलिए, किसको प्रधानमंत्री करेंगे? मैडम, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। आपने एक सप्ताह पहले एबीपी न्यूज पे मोदी जी का इंटरव्यू आया था,
सर आप बताइए देखा था किसको देंगे आप सीधा वोट तो बात की बात है वोट सर मुद्दा मेरा यही है अगर आपको कोई और बात करनी है तो मैं नहीं करूंगी आप मुद्दा बताइए किस मोदी जी नहीं कांग्रेस मोदी नहीं आप किसको वोट देंगे और क्यों मैं हम सब ना बीजेपी को क्या हम मोदी सरकार को हम जिताना चाहते हैं हम चाहते हैं कि मोदी सरकार आए सारी कहानी पता चल जाता हम भूखे मर रहे सर हमारे कोई रोजगार नहीं सर सरकार कोई कुछ भी बना के हमारे सामने हमारा जो वोट है सिर्फ मोदी को है सिर्फ मोदी को हम चाहते हैं हमारे देश में सिर्फ ओनली पूर्व मोदी आए मोदी 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 मैम 10 साल के लिए तो मोदी है ये तो कोई नहीं रोक सकता राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनते नहीं अभी 20 साल भाई 10 साल गए 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 50 साल के अधेर युवा है राहुल गांधी हाँ जी 50 साल के अधेर युवा है राहुल गांधी 2 साल तो 70 साल के हो जाएंगे लेकिन काम तो वही कर रहे हैं मोदी कर रहा है 20 साल देश के प्रधानमंत्री होंगे अरे भैया हेलो मैडम मैडम एक मिनट सुनो हमारे तो सपने में नरेंद्र मोदी आता बस अब लोकसभा में जब एक मिनट सुनो मेरी बात 2 मिनट का टाइम दो जब एपीपी न्यूज वाले पूछे कि आप राफेल पे चुप क्यों हैं वो आगू बबूला क्यों होंगे जो बताइए आप अगर उसमें कुछ खोट है सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं करते उन्होंने जवाब दिया है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है केस अभी खत्म नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट पहले उन्हें अभी खत्म नहीं हुआ अभी चल रहा है सर मैं बात ही नहीं कर रही आप मोदी की तरफदारी क्यों कर रहे हैं आप बताइए किसको वोट देंगे मैं राहुल नहीं कांग्रेस को दूंगा वोट कांग्रेस को दूंगा सुनिए कमलनाथ के यहाँ से और कमलनाथ के करीबी नेताओं के आज 281 करोड़ रुपए काला धन बोल सकती हूँ मैं क्योंकि कैश बरामद हुआ क्या कहें अमित शाह के नाम सुने हैं कौन है पता है वो तो 281 करोड़ कास्टिंग अभी कितना निकाला कितना निकाले ममता बनर्जी है ना उसकी भी गाज गिरने वाली है इस बार समझे ना उसकी भी गाज गिरने वाली है इस बार वो समझ रही है कि मैं बचाऊंगा अमित शाह से बड़ा चोर कोई नहीं है अमित शाह से बड़ा कोई चोर नहीं है जब तक यूपीआई से बड़ा कोई चोर नहीं है अमित शाह से बड़ा चोर नहीं है भैया आप कैसे बोल रहे हैं हेलो हेलो अरे कमल ये क्या समझेंगे ये क्या जानेंगे कुछ नहीं जानते हैं ये तो अभी कुछ नहीं जाना है ना ये कमलनाथ के पास से निकला है 281 करोड़ अभी कितना निकलेगा ये तो देखते जाए ये साले जहाँ जितना महागठबंधन है ये साले सब चोर है ये सब चोर है सबसे बड़ी बात राहुल गांधी ने जो साल के 72,000 सबको देने राहुल गांधी जहाँ भी रैली करते हैं जनता को संबोधन करते हैं वो तो उनको तो बोलने का लूड ही नहीं है ना वो तो पप्पू है पप्पू मैम पप्पू है विकास की बात नहीं मैम कांग्रेस चोर आदमी है चोर है कांग्रेस मैं बता रहा हूँ ना चोर कौन है तभी तो बताऊंगा मैं एक्सक्यूज मी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अमित शाह चोर नहीं है चोर क्यों कह रहे हैं बता रहा हूँ ना उसका मोदी जी पे एक भी दाग जब नोटबंदी हुआ था अहमदाबाद में एक कॉरपोरेटिव बैंक है ठीक है उसका अध्यक्ष कौन है अमित शाह है तो उसके अंदर 700 करोड़ रुपए कहाँ से आया मैडम मोदी 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 नोटबंदी की बात कर रहा है तो मोदी जी ने वादा किया था 7 दिन में देश की हालत सही करेंगे तो 7 दिन में उसने वो अपने वादे पे खड़ा इनके मैं जवाब देता हूँ ये बोल रहे हैं ना हेलो आप तो बोल रहे हैं 72,000 हम बेरोजगारी भत्ता देंगे बैठा के मोदी जी तो विकास की भी बात करते हैं आप तो फोकट का मुखौर बना तो विकास कहीं से पैदा नहीं करते हो मेरी बात अरे यार चुपो तो सही उसको किसने रोका 5 साल सर आप कांग्रेस की बात कर दे देखो आप बात कर रहे हैं कांग्रेस की पार्टी का नहीं हूँ सर आप अगर कांग्रेस को समर्थन सिंपल नागरिक हूँ मैं 2019 में पूरी तरह से कांग्रेस का सूफड़ा साफ होगा और एक बार फिर 2019 में नरेंद्र मोदी
मोदी इस देश का सर, इस देश का सबसे बड़ा नेता चौकी पे बैठने जा रहा है 2019 में। फिर से चौकीदार की सरकार 2019 में पूरी तरह से। राहुल गांधी के बारे में पूछूंगी, राहुल गांधी बार बार कहे चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। कमलनाथ जो तब उस कांग्रेस की ज्यादा सरकार है, उनके करीबी नेताओं के पूछे 281 करोड़ बरामद हुए कैश में। वही दिख रहा है मैम, जो पैसा खपाना था ना ये लोकसभा के चुनेंगे मोदी को। मोदी क्यों? हाँ मैम क्यों, क्या सवाल यही आता है क्यों आप किसको वोट और क्यों, ये तो अहम सवाल है। मोदी ने बहुत कुछ किया देश के लिए। अभी पुलवामा हमला हुआ, वहाँ पे कैसे हुआ, सिर्फ मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक की। हाँ अगर वो नहीं होते तो एयर स्ट्राइक होता भी नहीं शायद। कांग्रेस स्ट्राइक भी हुई है इसमें, इससे हम ये भी देखते हैं कि मोदी जी ने जितना काम किया है वो लोगों की भावनाओं को रखकर किया है। और दूसरी बात इसमें कहते पहले तो जो लोग सबूत मांगते थे, अब कांग्रेस के घोषणा पत्र में ही है कि वो एक तो जो बोल सकते हैं वो देशद्रोह के मामले को हटा देंगे, थर्ड डिग्री टॉर्चर को हटा देंगे, और जो पीएम जो कश्मीर का अलग प्रधानमंत्री के बारे में वकालत करते हैं उनका भी समर्थन करते हैं, तो क्या कहेंगे उस बारे में? मैम मैं उस बारे में यही कहना चाहता हूँ, ये चुनाव है, चुनाव के टाइम में ये मुद्दा निकलता ही रहता है। आप लोग, जनता कोई पागल नहीं है, जनता भी जानती है, जनता पढ़ी लिखी है, वो मोदी को ही सपोर्ट करेगी। हम मोदी जी को सपोर्ट करेंगे। क्यों मोदी जी को? मोदी जी अच्छे इंसान है, ईमानदार आदमी है, ठीक है, और देश के लिए बहुत कुछ किया और देश के लिए आगे बहुत कुछ करेंगे। राहुल गांधी के बारे में क्या, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? नहीं नहीं बन पाएंगे, वो पप्पू है वो। राहुल गांधी बिल्कुल नहीं बन पाएंगे। राहुल गांधी जहाँ भी जाते हैं या प्रियंका वाड्रा जहाँ भी रैली करते हैं उत्तर प्रदेश में, वहाँ मोदी मोदी के नारे गूंजते हैं, उसके बाद राहुल गांधी भी कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, और प्रियंका वाड्रा भी कहती है और लगाओ और लगाओ, तो क्या लगता है दोनों के दोनों कांग्रेस के लिए प्रचार करें या मोदी के लिए? मोदी के लिए, मोदी के लिए। हमको तो यही लगता है। मोदी के लिए प्रचार करें, क्योंकि मोदी हमारे यहाँ पर बहुत अच्छे, उन्होंने जैसे भ्रष्टाचार पर रोक की है और भ्रष्टाचार के साथ साथ उन्होंने जो सर्जिकल स्ट्राइक किया है, एयर स्ट्राइक किया है, उससे हर नागरिक, हर देश का हर नागरिक उनके साथ है। आप क्या कहेंगे किस बारे में? कि बार बार आप किसको वोट देंगे? पहले आप वोट की बात है, प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? मोदी जी को। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने जो काम किया है कांग्रेस वो काम कभी ना किया ना कर पाएगा। घोषणा पत्र से वाकिफ है कांग्रेस के? वो बोलने के लिए है, करने के लिए वो सिर्फ अगर बनेगा तो घोटाले करेगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र में ही है कि वो कश्मीर के लिए जो अलग प्रधानमंत्री उनका समर्थन करते हैं, पहले तो घोषणा पत्र में थर्ड डिग्री टॉर्चर हटा देंगे, कश्मीर से अर्धसेना बलों को हटा देंगे, सारे जो बोल सकते हैं आप होता है कि देशद्रोह का मामला चार्ज होता है अगर आप करता है तो वो भी कोई मामला रहेगा ही नहीं, देशद्रोह के वो लॉ को भी हटा देंगे, तो क्या ये सही है? वो सिर्फ बोलने के लिए, उसके बाद जो पहले शुरू से होते गया कांग्रेस के टाइम में वही होते रहेगा। देशद्रोह के मामले को हटाना सही है? बिल्कुल सही है, देशद्रोह नहीं होना चाहिए। बिल्कुल गलत है, देशद्रोही का जब कोई ऐसे तो कोई बम फोड़ दे भारत में और उस पर देशद्रोही का वो केस नहीं लगेगा, गलत है ये बिल्कुल। घोषणा पत्र में बिल्कुल एकदम जायज बात बिल्कुल नहीं है। कश्मीर हमारा हिस्सा है, कश्मीर के लिए अलग प्रधानमंत्री होना चाहिए। नहीं, कश्मीर हमारा ही और हमारा ही रहेगा, भारत का ही रहेगा। धारा 370 हटनी चाहिए, धारा 370 हटनी चाहिए। जो अभी बीजेपी ने मेन मुद्दा जो उठाया धारा 370 उठाएंगे, क्या सही है? यस मैम सही है, बिल्कुल सही है मैम, ये बिल्कुल सही है, ये धारा नहीं नहीं हटना चाहिए। 70 साल हमने अपने आर्मी को, अपने रिसोर्सेस को और अपने पॉलिटिकल जो मार्केट है उसको इन्वेस्ट किया है हमने वहाँ, अगर वहाँ से ये सब हटेगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैम जब जब वो धारा हटेगी तभी तो पत्थरबाजों पर लगाम लगेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा लॉस हुआ है पत्थरबाजों की वजह से, क्योंकि हम देखते हैं कि पत्थरबाज सबसे बड़ी अड़चन पैदा करते हैं, क्योंकि हमने देखा है ये जितने भी बाहर से घुसपैठिया आए हैं किस लिए आए हैं, इनसे सब में ज्यादा सपोर्ट ये पत्थरबाज करते हैं। क्यों मतलब हमारे देश की सेना पर ये पत्थरबाज हमला करते हैं? आप बताइए आप किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? I don't know now, I will decide later. आप बताओ आप किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी, 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 मोदी। आप किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? मोदी को। अब वही टॉप है, लेकिन इस बार वो नहीं, गवर्नमेंट फुल जो एक फुल पार्टी के साथ जो आते हैं वो नहीं आएंगे, फुल आएंगे।
नहीं नहीं आएंगे, कौन आएगा? एक फेडरल स्ट्रक्चर के साथ गवर्नमेंट बनेगी। फेडरल स्ट्रक्चर, आपके सहमत है इनसे? नहीं नहीं, मैं सहमत हूँ, इनके फुल बहुमत से सरकार बनेगी, बीजेपी की बनेगी। मोदी 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 क्यों? क्योंकि मोदी हमारे जनरेशन में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, है ना, वो जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छे कर रहे हैं और हमारे पब्लिक और आम जनता के लिए बहुत सही कर रहे हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? नहीं नहीं, 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 नहीं बन पाएंगे। पहले से ही उनके पास केस है उनके ऊपर, तो उनके ऊपर पहले से ही केस चल रहा है, बेल पे बाहर है, तो ये पॉसिबल। फिर आप किसको चाहते हैं प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी नहीं, राहुल गांधी? फेडरल स्ट्रक्चर के साथ गवर्नमेंट बने। देखो मायावती लड़ नहीं रही है कि ममता बनर्जी आएंगी या फिर आएगी अखिलेश यादव? नहीं नहीं, ये सब और कौन सी, और कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं है, आपके पास ऑप्शन है? स्ट्रक्चर के साथ मतलब उनके साथ मिलकर बनेंगे। एनडीए सरकार तो है पहले, एनडीए ही रहेगी, एनडीए बनेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी सर। आप बताइए आप किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी। मैम जो 70 साल में भारत जो है सही दिशा में डेवलपमेंट कर रहा है। राहुल गांधी यूज करते हैं वर्ड कि अडवाणी जी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जूते मार के लात मार के पार्टी से बाहर निकाल दिया, क्या कहेंगे इस बारे में? मैम वो कुछ नहीं है ऐसा, वो सब गलत है, वो सब गलत है। तो ऐसी भाषा यूज करनी चाहिए कांग्रेस अध्यक्ष इतने बड़े पद पे जो बैठे हैं? वो पप्पू है, उसके लिए सब जायज है। और देखिए मेरा साफ यह है कि मोदी जी से जब आए थे हम लोग सब लोग खुश थे, लेकिन अजय युवा के नाम पे अगर देखा जाए तो जो इन्होंने जॉब का जो कंडीशन बना रखा है ये पूरी तरह से फेल है। एक सीजीएल एग्जाम के बारे में जितने भी यहाँ पे पढ़ा जो भी होंगे तैयारी करने वाले, 2017 से लेके एक केस चल रहा है और उनकी केस आज तक नहीं वो निपट पा रही है। सर नौकरियों में तो बात कर रहे हैं अभी भी और बढ़ा रहे हैं, 4 लाख केंद्र के पास सरकार के पास नौकरियां 4 लाख उसके बारे में कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है राहुल गांधी 24 लाख नौकरियां दे पाएंगे? नहीं देना नहीं देना वो बात की बात है, हम इस सरकार से बात है ना, हम हमारे कहने से कोई सरकार आ जाएगी ना जा जाएगी। सर हम जनता है, जनता के पास यही सारे राइड है, जनता ही बनाती है सरकार को। नहीं देखिए मोदी से तो हम लोग वाकई बहुत खुश थे, लेकिन ये जो 5 साल में जो इन्होंने युवा का जो ग्राफ गिराया है इसे यकीनन हमारे भारत की छवि खराब हुई है। युवा बहुत सारे हैं जो आज पे रोड पे आ रहे हैं। सर स्किल इंडिया, मैं आपकी बात करती हूँ, अगर स्किल इंडिया डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया से नौकरी आई है नहीं आई? जोमेटो ओला उबर नहीं आई है? नहीं ये देखिए इनकी जो भी डिजिटल इंडिया हो वो दिखनी चाहिए ना इनकी, ये नहीं, ये इन्होंने जो बड़े बड़े वादे किए नोटबंदी, आज इन्होंने नोटबंदी के नाम पे वोट मांगना बंद कर दिया है, ये गलत है। आप सर नोटबंदी से जो 2014 में बात की थी तो 11वें पायदान पे भारत था ना, वो 5वें पायदान को मतलब 6 पे हम है और 5वां छूने जाने वाले हैं अर्थव्यवस्था में। आप हम यही तो बोलना चाहता हूँ ना, जब आप मतलब आप मानेंगे इकोनॉमिकल डॉक्यूमेंट जो भी वर्ल्ड बैंक करता है विश्व बैंक करता है वो सब फेक है? ये वाला फेक जो इंडिया में प्रेजेंट किया जा रहा है। आप इंडिया में फेक कहेंगे? नहीं नहीं नहीं, मीडियम क्लास और गरीबों को क्या मिला है? मीडियम क्लास गरीबों जैसे बसों में जेब कतरे चढ़ते हैं, ठीक है, और जैसे गलियां साफ नहीं होती। मतलब आप कहेंगे देश से पहले स्वार्थ है, खाली नौकरी मिलनी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए? बात नहीं कर रहा मैं, किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे जो नौकरी दे? मैम बनाना तो किसी को भी नहीं चाहता मैं। 5 साल अभी और देकर देखिए जितना की लास्ट 70 ईयर्स में काम हुआ है, 5 साल में आपने देखा है की काफी इकोनॉमी इम्प्रूव भी हुआ है, डेवलपमेंट भी हुआ है और काफी हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी किया है और कर रहे हैं। अगर आप दूसरे कंट्री से कंपेयर करेंगे तो अभी इंडिया हमारा आगे जा रहा है और आगे भाई आगे जो हमारा एक मिड लेवल है। नो 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 मैटर कि आपका आम आदमी पार्टी है यहाँ, आपको बता दे पहली बात, पूरे देश के लिए बोल रहा हूँ, नाली और रोड और मिडिल क्लास के लिए। सर आप सुनते तो नहीं पहले जो आप बोल रहे हैं नाली और रोड बन रहे दिल्ली में, दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है। बात नहीं है मैम ऐसे कोई थोड़ी है, तो बीजेपी इसमें कहाँ से? हमारा सांसद तो बीजेपी का है ना, कभी मैडम आते देखा ही नहीं, 5 साल में आते नहीं, अब आएंगे क्यों? चुनाव के टाइम पे क्यों आते हैं? चुनाव के टाइम पे क्यों आते हैं? चुनाव के टाइम पे ही क्यों रैली होती है? पहले क्यों नहीं होती रैली? रैलियाँ पहले नहीं हो सकती, बार बार चुनाव आयोग क्यों होता है मैम? नहीं होना चाहिए, रैलियाँ करें मैम, आपको चाहिए कि धरना सरकार हो लेकिन काम करने वाली। हाँ सर मीडियम क्लास और गरीबों को चाहिए, जैसे बड़ी बड़ी देखिए आप बड़ी बड़ी एरिया में देख ले जल्दी तुरंत एक्शन होता है, गरीब कॉलोनी मतलब छोटी मोटी नहीं होता, नहीं होता। सबसे बड़ी चीज जो इस टाइम अवेयरनेस बहुत जरूरी है, सोसाइटी में अवेयरनेस बहुत कम है, एजुकेटेड लोग है फिर भी गलतियाँ करते हैं। अगर देखें आप हैं एम्प्लॉयमेंट है बट स्किल्ड नहीं है, एज पर दी IBM रिपोर्ट 93% लोग इंडिया में मतलब एजुकेटेड है बट 72,000 रुपए तक देखने की जो बात कर रहे राहुल गांधी के, दे पाएंगे 72,000 रुपए? मैम दे सकते हैं, यस मैम ये इलेक्शन के ये देखिए बजट राहुल गांधी
पॉसिबल नहीं है। उसके लिए 12,000 का जो इनकम सर्टिफिकेट है वो चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है 60,000 के नीचे। राहुल गांधी को यही नहीं मालूम कि मैं बोल क्या रहा हूँ, वो कहाँ पे क्या बोलता है, कहाँ पे क्या बोलता है, उसको मालूम ही नहीं है मैं बोल क्या रहा हूँ। उसको जो चिट्ठी दी जाती है वही पढ़ता है, वही बोलता है वो, उसको दी जाती है कि ये बोलना है तुझे, वो बोल देता है, उसको मालूम ही नहीं है मैं क्या बोलता हूँ। वो तो अपने जीजा को प्रॉपर्टी दे सकता है और कुछ नहीं कर सकता, वो अपने जीजा को प्रॉपर्टी दे सकता है। अब जो राहुल गांधी बार बार बोलते थे चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, राहुल फैमिली चोर है जी, पूरा खानदान चोर है उसका और पूरी हिस्ट्री चोर है उनकी। राहुल गांधी चोर है, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी को नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जिंदाबाद कहता था कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ कि मैं कांग्रेस के साथ नहीं मिलूंगा, आज कांग्रेस के पीछे पीछे गिड़गिड़ा रहा है, देखो कितना बेवकूफ बनाया पब्लिक को। अब वो कहता था मैं कांग्रेस के खिलाफ खड़ा हूँ, आज कांग्रेस के पीछे पीछे जा रहा है कि मुझे 7 सीटों में केजरीवाल ले लो। बताओ सबको डर लगा हुआ है, आदि राहुल आदि डर लगा हुआ है कि मोदी कहीं वापस आएगा, क्योंकि हम कुछ करते तो हो नहीं, सिर्फ यही। राहुल गांधी बार बार गए चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। अब कमलनाथ के घर और बाकी करीबी उनके रिश्तेदारों के पास 200 करोड़ रुपए कैश पाया गया, उसमें क्या कहेंगे? उसको ये पूछो वाड्रा से पैसा कहाँ आया।